वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्प्लीन और थाइमस को हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्प्लीन देखते हैं कि स्प्लीन क्या होती है, उसके फंक्शंस किस तरह के होते हैं। उसके बाद हम थाइमस को देखेंगे। सो स्प्लीन की सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी अनाटॉमी देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है। एंड एंटीरो लेटरल टू द लेफ्ट किडनी, जो लेफ्ट किडनी होती है उसकी साइड पे और सामने वाली साइड पे, यानी उसके फ्रंट फ्रंट और लेफ्ट लेटरल होगी, लेटरल साइड पे होगी और उसकी सामने वाली साइड पे होगी। वहां से ये जो है ना, ये इसकी रोटरी होती है। तो जो काम की बात है वो ये आपने याद करनी है, ये वाली काम की बात आपने याद करनी है। प्रोटेक्टेड बाय 9th and 11th रिब। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। बाकी ऊपर जो लिखा हुआ है इसकी नॉट में, लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन एंटीरो लेटरल टू द लेफ्ट किडनी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोटेक्टेड बाय 9th and 11th रिब, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करें। उसके बाद अभी जो इसके बारे में हमने देखना है वो इंपॉर्टेंट क्या है स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन के 3 हिस्से होते हैं। ये यहाँ पर जरा डायग्राम पे आ जाए कि डायग्राम में ये क्या बता रहा है। वो कहते हैं स्प्लीन के 3 पार्ट्स होते हैं। जिस तरह आपने पीछे कल लिम्फ नोड में देखा था कि उसके भी 3 पार्ट्स थे, तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये आउटर रीजन, यहाँ तक से ये ऊपर वाला जो बहर वाला है, यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं रेड पल्प। ये रेड पल्प होता है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला हिस्सा, जो ये वाला है, ये वाला यहाँ तक, ये सारा अंदर तक, ये सारा जो भी है, ये वाला हिस्सा सारा, ये आपके पास व्हाइट पल्प होता है, ठीक है। ये व्हाइट पल्प होता है। अब इसके बीच में ये रेड पल्प हो गया सारा, ये सारा व्हाइट पल्प हो गया। रेड पल्प और व्हाइट पल्प पल्प के बीच में ये वाला हिस्सा, ये मार्जिनल जोन होता है। ये क्या होता है? मार्जिनल जोन होता है ये, ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे बाहर वाला जो इसका पार्ट है वो सबसे बाहर वाला पार्ट इसका ये रेड पल्प हो गया। उसके बाद ये इनर वाला व्हाइट पल्प हो गया, फिर इसका ये मार्जिनल जोन हो गया। अच्छा, जो आपका रेड पल्प होता है, इसके रेड पल्प के अंदर सेनोसाइड्स होते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्या है, सेनोसाइड्स हैं। ये इसके अंदर सेनोसाइड्स होते हैं। सेनोसाइड्स क्या होते हैं? सेनोसाइड्स बिल्कुल जो है ना, इसके जो सेनोसाइड्स होते हैं बिल्कुल वेसल्स होते हैं, यानी वेन्यूल्स होते हैं, वेसल्स होती हैं इस तरह की, बिल्कुल इस तरह की वेसल्स होती हैं, वेन्यूल्स होती हैं। तो ये इसके सेनोसाइड्स होते हैं। इसकी जो वेसल्स होती हैं ये बैरल शेप्ड होती हैं। बैरल शेप्ड होती, बैरल शेप का क्या मतलब है? मतलब कुछ इस तरह की होती हैं, ये इस तरह की, कुछ इस तरह की बैरल शेप्ड में ना। और इस ये फेनिस्ट्रेटेड होती हैं। ये क्या होती हैं? फेनिस्ट्रेटेड। ये मैंने 2 लफ्ज कहे हैं इसके, कि इसकी जो सेनोसाइड्स की, जो राइट पल्प में जो सेनोसाइड्स होते हैं उसकी जो ये वेन्यूल्स होती हैं, ये सेनोसाइड्स वेन्यूल्स ही होती हैं। ये पहली तो फेनिस्ट्रेटेड होती हैं। फेनिस्ट्रेटेड का क्या मतलब है? कि इनके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इनके दरमियान में स्पेस होती है इस तरह की, तो इन इनमें से चीजें इजिली बाहर निकल सकती हैं। और दूसरा, इसका जो वेन्यूल होते हैं ये बैरल शेप्ड होते हैं। ये वाली जो शेप बनी हुई है ये इस तरह की, ये बैरल शेप्ड इसकी शेप होती है। और ये फेनिस्ट्रेटेड होती है, मतलब इसमें बीच में से जो है ना स्पेसेस होती हैं, वहां से चीजें बाहर निकल सकती हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रेड पल्प में क्या होता है, आपके रेड पल्प में सेनोसाइड्स होते हैं, ठीक है। सेनोसाइड्स बिल्कुल वेन्यूल्स होती हैं जो कि बैरल शेप्ड होती हैं, इस तरह की शेप की होती हैं। और ये फेनिस्ट्रेटेड होती हैं, यानी इनके बीच में ये स्पेसेस होती हैं एंडोथेलियल सेल्स में, और यहाँ से चीजें जो है ना बाहर निकल सकती है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन क्या होता है? वो कहता है मार्जिनल जोन में, ये वाला जो जोन है, वो क्या कहता है, माइक बंद रखें कर प्लीज, रहे हैं? माइक बंद रखें प्लीज। मार्जिनल जोन में जो है ना मैक्रोफेजेस पड़े हुए होते हैं। मार्जिनल जोन में क्या पड़े होते हैं? मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल से देख लें, फिर इसका प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे काम करता है वो भी हम समझते हैं। अभी सिंपल से देख लें कि रेड पल्प में सेनोसाइड्स होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, यहाँ पे मैंने समझा दिया है। मार्जिनल जोन में क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं। उसके बाद आपका व्हाइट पल्प है। व्हाइट पल्प में दो चीजें होती है, व्हाइट पल्प में दो चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है व्हाइट पल्प में, जस्ट जैसे कि मैं इसको रेज कर लूं, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब तक मैं रेज करता हूँ तो बीच में क्वेश्चन पूछ लिया करें। वैसे कोशिश करें कि अपना माइक बंद रखें, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई हुई है यूट्यूब के लिए, तो प्लीज काइंडली जरा कॉपरेट करें। अच्छा जी, अब हमने क्या देखना है, ये वाला हिस्सा अंदर वाला जो कि व्हाइट पल्प है, इसको हमने देखना है। वो कहते हैं व्हाइट पल्प दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। पहला, पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ,
पहला ये हो गया पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ, और दूसरा इसमें जो है ना फोलिकल्स होते हैं, दूसरा इसमें क्या होते हैं फोलिकल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ क्या होती है और ये फोलिकल्स क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आर्टरी आ रही है, ये इसके अंदर इंटर हो रही है ये आर्टरी। अब ये आर्टरी आगे जाके, ये आर्टरी है, आर्टरी आगे जाके आर्ट्रियोल्स में ये मजीद इस तरह ब्रांच में चेंज होती जाती है। तो ये जो ब्रांचे बनती है इन ब्रांचों को हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। ये क्या है आर्ट्रियोल्स। अब इसे कहते हैं पेरी आर्ट्रियल, इसे क्या बोलते हैं पेरी आर्ट्रियोल्स लिम्फेटिक शीथ, लिम्फेटिक शीथ। अब क्या बात है, मैं रिपीट करता हूँ कि जो आर्टरी आती है वो मजीद आगे डिवाइड होती जाती है, आगे डिवाइड होती जाती है, डिवाइड होती जाती है, इसको हम कहते हैं पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ। अब ये पेरी आर्टियल तो आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बन रही है, ये लिम्फेटिक शीथ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इसको लिम्फेटिक शीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो शीथ होती है ना, ये इस तरह की कोई भी शीथ होती है, इसके इर्द गिर्द इस तरह के टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स पड़े हैं। इसके इर्द गिर्द क्या पड़े होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स पड़े होते हैं इसलिए क्या कहते हैं लिम्फेटिक शीथ कहते होते हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि ये पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीत क्या होता है। इसको पेरी आर्टेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स बनती हैं, और इसको लिम्फेटिक शीत क्यों कहते हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द सारे क्या पड़े होते हैं इस तरह, सारे इनके जितनी भी हैं ये पेरी आर्टेरियल के इर्द गिर्द क्या पड़े होते हैं टी लिम्फेटिक सेल्स पड़े होते हैं, इसलिए इसे लिम्फेटिक शीत कहते हैं, पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीत इसे कहते हैं। आई थिंक सो दैट कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरा इसका क्या व्हाइट बल्ब का दूसरा हिस्सा कौन सा देखा कि दूसरे हिस्से में इसके फोलिकल्स पड़े हुए होते हैं। अब फोलिकल्स क्या होते हैं, फोलिकल्स के बारे में हम देखते हैं कि फोलिकल्स क्या होते हैं, फोलिकल्स क्या होते हैं जी। फोलिकल्स ये देखें, ये फोलिकल्स पड़े हुए हैं, आपको याद है कल हमने लेफ्ट नोड में फोलिकल्स पड़े थे, तुम्हें याद हो क्या ना, याद हो हमें याद है जरा जरा, कल हमने लेफ्ट नोड में जो है फोलिकल्स पड़े थे और हमने कहा था कि फोलिकल्स के अंदर बी सेल्स पड़े होते हैं। आई थिंक दैट सबको याद होगा, कल हमने पढ़ा था कि लिम्फ नोड का जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में जो है ना फोलिकल्स पड़े हुए होते हैं। फोलिकल्स की दो टाइप्स थी याद करें, प्राइमरी फोलिकल्स और सेकेंडरी फोलिकल्स। तो यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये बी सेल्स पड़े होते हैं फोलिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, सबसे बाहर वाला कौन सा हिस्सा होता है आपका रेड पल्प होता है, बीच में मार्जिनल जून होता है, और अंदर वाला व्हाइट पल्प होता है। व्हाइट पल्प में दो चीजें होती हैं, एक बी सेल्स फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और दूसरा पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीत होती है। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम जो है ना जरा आगे करते हैं चीजों को कि इसका प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, ये काम किस तरह करता है, हम वो देखते हैं। चलें जी, ये काम किस तरह करता है, सिंपल से है। लेट्स सपोज दैट कि या मैं साइड पे डायग्राम बना रहा हूँ कि ये आपका ऊपर वाला कौन सा रीजन हो गया सारा, ये आपका हो गया रेड पल्प का रीजन, ठीक है। उसके बाद ये बीच में मैं जो है ना ये फिर ये आपका जो बना रहा हूँ ये वाला हिस्सा, ये आपका जो है ना हिस्सा हो गया आपका, ये आपका हिस्सा क्या हो गया, ये आपका हो गया जी मार्जिनल जोन हो गया। उसके बाद ये अंदर वाला बनाते हैं, ये आपका हिस्सा कौन सा हो गया, ये आपका व्हाइट पल्प हो गया, ठीक है, ये आपका व्हाइट पल्प हो गया, ये आपका मार्जिनल जोन हो गया। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपका जो रेड पल्प होता है उसमें क्या होते हैं सिनुसाइड्स होते हैं, बैरल शेप्ड वेसल्स होती है, ठीक है, और जो आपका मार्जिनल जोन होता है उसमें क्या होते हैं मैक्रोफेजेस पड़े हुए होते हैं। और हमने कहा जो व्हाइट पल्प है उसमें क्या होते हैं, एक तो ये टी सेल्स की लिम्फेटिक शीत पड़ी हुई होती है, और दूसरा हमने कहा कि इसमें बी सेल्स के क्या पड़े होते हैं फोलिकल्स पड़े हुए होते हैं। यहां तक समझ आ गया, आई थिंक बहुत आसान से था। अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग से टॉपिक है, मैंने परसों जो कल हमने परसों जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक डायग्राम समझाई थी कि पूरी आपकी मिनरोलॉजी इसके गिर्द घूमेगी, अभी भी वही सब कुछ होने जा रहा है। अब रेड बल्ब के अंदर क्या है, ये आपकी सिनुसाइड्स पड़ी हुई है, वेसल्स पड़ी हुई है, इसमें ब्लड आता है, क्या आता है ब्लड आता है। आपको पता है अगर ब्लड आता है तो ब्लड के अंदर बाज दफा पैथोजेंस होते हैं। अब लेट्स सपोज इधर कोई पैथोजेन आ गया, क्या आ गया, कोई भी पैथोजेन आ गया, ठीक है। अब ये पैथोजेन आ गया या फिर कोई एंटीजन है, मतलब पैथोजेन को हम एंटीजन भी कह सकते हैं, वो इसके अंदर आ गया आपके ब्लड के अंदर, तो हमने कहा कि ये जो सिनुसाइड्स होते हैं ये फेनिस्ट्रेटेड होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि हमने कहा चीजें इजीली बाहर निकल सकती हैं, तो ये फेनिस्ट्रेटेड होता है, तो इसके अंदर जितने भी पैथोजेन या एंटीजन फॉरन एंटीजन पड़े हुए होते हैं, वो जो मैक्रोफेज है ये यहाँ पर जो पड़ा हुआ है जो आपके मार्जिनल जोन में पड़ा हुआ है, वो यहाँ से जितने भी एंटीजेंस हैं, जितने भी पैथोजेंस हैं, उनको यहाँ से पकड़ लेता है, अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है, क्या कर लेता है इंगल्फ,
क्योंकि आपको पता है मैक्रोफेज का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, किसी चीज को इंगल्फ कर लेना, किसी चीज को अपने अंदर खा लेना, तो ये उसको इंगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। अब आपका जो पैथोजन था, जो ब्लड में था, वो यहां से निकलकर आपके मैक्रोफेज में आ गया है। अब आपके मैक्रोफेजेस को ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते होते हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि आपको जो मैक्रोफेज है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये एंटीजन को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं अपनी सरफेस पर। ये एंटीजन को पहले वहां से सिनोसाइट से लेंगे, इंगल्फ करेंगे, फेगोसाइट करेंगे, अंदर रखेंगे, अंदर प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद ये जो सरफेस होती है आपकी, जो मैक्रोफेज की सरफेस होती है, मैक्रोफेज की जो सरफेस होती है, वहां पर ये उस एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। इसीलिए इनको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते होते हैं। अब इन्होंने एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया है, अब इसी एंटीजन को कौन पकड़ेंगे? याद करें, ये पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ में टी सेल्स पड़े हुए थे, टी सेल्स इसी एंटीजन को पकड़ लेंगे। अब टी सेल्स इसी एंटीजन को पकड़कर, कल मैंने कहा था कि या तो पहले कोशिश करेंगे ये खुद उनको किल कर दें, मार दें, और अगर किल नहीं कर सकते तो यही टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स जो के फोलिकल से पड़े हुए हैं, व्हाइट बल्ब के फोलिकल में पड़े हुए हैं, इसको कहेंगे कि हमारी हेल्प करें, पैथोजन आ गया है। अब ये बी सेल क्या करेगा? कल हमने क्या पढ़ा था कि ये प्लाज्मा सेल्स को एक्टिव करते हैं, किनको? प्लाज्मा सेल्स को जो है ना ये एक्टिव कर देते हैं। जब प्लाज्मा सेल्स एक्टिव होते हैं तो प्लाज्मा सेल्स क्या बना रहे थे? एंटीबॉडीज बना रहे थे, इम्यूनोग्लोबुलिंस, एंटीबॉडीज बना रहे थे। अब यही एंटीबॉडी वापस जाएगी उसी पैथोजन के पास जिसको इंगल्फ किया था मैक्रोफेज, उसी के पास जाएगी, जाके उसको किल कर देगी। तो मेरे ख्याल में ये आपको सारा समझ आ गया होगा, अगर कहे तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। चले मैम एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जी अफीफा रुबाब, आपने हैंड रेस किया है, पूछ सकती हैं आप क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो। आई एम वेटिंग फॉर यू। चले मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर लेता हूँ। अच्छा स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? प्लीज रिस्पॉन्स करें, स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन रिगार्डिंग सबको? जी जमील भाई। हाँ कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। चलिए मैं स्पीड थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा दोबारा किसी और कलर के साथ। वो कहता है कि सबसे आउटर रीजन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सबसे आउटर रीजन होता है रेड बल्ब, बीच वाला रीजन क्या होता है? मार्जिनल जोन, और अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? व्हाइट बल्ब। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि रेड बल्ब में क्या होते हैं? सिनोसाइट्स पड़े होते हैं, जो बैरल शेप होते हैं, जिनमें से जो है ना चीजें इजीली बाहर आ सकती है। और जो मार्जिनल जोन में उसमें मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, जो आपका व्हाइट पल्प है उसमें पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ और बी सेल्स के फोलिकल्स पड़े हुए हैं। अब राइट पल्प में ब्लड के अंदर जब ब्लड आता है उसमें पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस इनफेनिस्ट्रेटेड से इजीली बाहर निकल आते हैं, उनको मैक्रोफेज इंगल्फ कर लेता है, खा लेता है, खाने के बाद ये उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट करता है किसको? टी सेल्स को, जो कि पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ थी व्हाइट पल्प में उसको। अब ये उसको उठाता है, पहले तो कोशिश करता है कि मैं खुद इसको मार दूं, अगर ये खुद मार देता है तो बेस्ट है, खुद नहीं मार सकता तो ये जो फोलिकल्स में बी सेल्स पड़े हुए थे उनको बोलता है कि मेरी हेल्प करो। अब बी सेल्स हेल्प करते हैं और वो किसको एक्टिव करते हैं? प्लाज्मा सेल्स को। अब आपके प्लाज्मा सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? एंटीबॉडीज बना देते हैं। अब यही एंटीबॉडीज उसी जो है ना, जो जिस एंटीजन की वजह से बनी थी उसी को जाके मार देते हैं। तो ये पूरी डायग्राम मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पूरी डायग्राम, पूरी आपकी इम्यूनोलॉजी इसी के ऊपर घूमेगी, जो हम डायग्राम बना रहे हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे कैसे मैक्रोफेजेस को इंगल्फ करता है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे टी सेल्स को मारते हैं, कैसे आगे हेल्प लेते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है ना इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि इसका सारा प्रोसेस किस तरह का। अगर किसी को स्टिल समझ नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अपना हैंड रेज करें, या टाइप करके चैट में बोल दें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो। चले हमने अभी जो पढ़ा है इसके हम आप बुक से रीडिंग करते हैं कि ये क्या कहता है हमें, ठीक है? चले जी स्टार्ट से देखें। ये पहली लाइन जो ना हमने कर ली थी, ये वाली लाइन हमने पढ़ ली थी, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट था, प्रोटेक्टेड बाई 9th and 11th रिब, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद देखिए नीचे वो कहते हैं सिनोसाइट्स, सिनोसाइट्स आर लॉन्ग, लॉन्ग होते हैं, वेस्कुलर चैनल होते हैं, यानी वेसल्स ही होती हैं इन रेड पल्प, और ये रेड पल्प के अंदर होते हैं, रेड एरोज इन ए। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है आपके ये जो डायग्राम है इसमें आपके जो है रेड एरोज जो शो करा रहे हैं ये सिनोसाइट्स को शो करा रही है। विद फेनिस्ट्रेटेड, फेनिस्ट्रेट का मतलब वही है कि इनके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके दरमियान में स्पेस होती है और कोई भी चीज इजिली यहाँ से बाहर निकल आती है। बैरल हुप, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसकी जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये बैरल हुप होती है, कुछ इस तरह की, ये
इस तरह की क्या होती है, बैरल होपलेस की मेम्ब्रेन होती है, और उनके दरमियान में इस तरह की स्पेसेस होती हैं ताकि यहाँ से पैथोजेंस या एंटीजेंस जो है ना वो यहाँ से बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में लाइन आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, ये था ब्रेड बल्क के बारे में। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी जो है ना ये टी सेल्स व्हाइट बल्क के बारे में बताएगा। टी सेल्स आर फाउंड इन द पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ दैट इज PALS विद इन द व्हाइट बल्क। ये मेरे ख्याल में मैंने आपको समझा दिया, व्हाइट एरोज इन द ए, तो ये वाली जो दिखाई जा रही है, ये वाली ये किसको शो कर रही है, ये आपकी पेरिएटेरियल लिम्फेटिक शीथ को शो कर रही है। और दूसरी बात सेम वही कह रहा है, बी सेल्स आर फाउंड इन फोलिकल्स विद इन द व्हाइट पल्प, तो ये भी व्हाइट पल्प पे होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब कहता है मार्जिनल जोन, जो बीच वाला जोन था, द मार्जिनल जोन इज इन बिटवीन द राइट पल्प एंड द व्हाइट पल्प। ऑफकोर्स बाहर रेड पल्प, अंदर व्हाइट पल्प, बीच में क्या था आपका मार्जिनल जोन था जिसमें मैक्रोफेजेस पड़े हुए थे। कंटेन्स मैक्रोफेजेस एंड स्पेशलाइज्ड बी सेल्स, और इसमें स्पेशलाइज्ड बी सेल्स भी कुछ पड़े हुए होते हैं। एंड इज वेयर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, अच्छा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किनको कहते होते हैं, ये मैक्रोफेजेस को कहते होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैप्चर ब्लड बॉर्न एंटीजेंस, यानी आपके जो यहाँ पे जो सेनोसाइट्स में जो ब्लड आ रहा था उसमें जो आपकी एंटीजेंस थी, उस एंटीजेंस को ये यहाँ से क्या करता है, पकड़ता है, कैप्चर करता है ब्लड बॉर्न एंटीजन फ्रॉम रिकग्निशन बाई लैम्फोसाइट्स, और फिर ये किसको दे देता है आगे, जो जो यहाँ पर आपकी टी लिम्फोसाइट्स पड़े थे उनको रिकग्नाइज करके उनको दे देता है, ले जी ये आपके पास है, यहाँ पे इनको प्रेजेंट करके देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारा प्रोसेस जो भी था ये आपको समझ आ गया कि फिर टी सेल्स आके बी सेल्स को देते हैं, बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स को देते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज को बनाते हैं जो आके इसी एंटीजन को जो है ना जाके किल कर देते हैं। ये हमने पढ़ा है इसका प्रोसेस, इसके थ्री पार्ट्स थे स्प्लीन के। अगर स्टिल किसी को समझ ना आया हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना मुझे लगता है कि आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा। आसान सा है, कोई मुश्किल सा नहीं है, बस आपने इसके याद रखने हैं तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर वाला रेड बल्ब होता है, मिडल वाला मार्जिनल जोन होता है, और बिल्कुल इंटर वाला व्हाइट बल्ब होता है, और उसमें क्या क्या होता है और ये सारा प्रोसेस किस तरह इसका काम करता होता है, ये आपने याद रखना है। चलिए ये देखें, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस यानी जो आपके मार्जिनल जोन के जो मार्जिनल जोन में जो मैक्रोफेज पड़े हुए हैं, रिमूव इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ये उन पैथोजेंस को पकड़ता है रेड पल्प से, उन मैक्रोफेजेस को पकड़ता है जो इनकैप्सुलेटेड होते हैं, जो क्या होते हैं इनकैप्सुलेटेड, यानी इनके ऊपर कैप्सूल लगा, अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसके इर्द गिर्द कैप्सूल होगा, तो ये आपके स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस सिर्फ उन पैथोजेंस उन बैक्टीरिया को पकड़ते हैं जिनके इर्द गिर्द क्या लगा हुआ होता है, कैप्सूल लगा हुआ होता है। इसको हम मजीद डिटेल में करते हैं कि ये क्या मतलब ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ से रीडिंग करते हैं। वो कहता है स्प्लीनिक डिसफंक्शन, क्या मतलब है स्प्लीनिक डिसफंक्शन का, स्प्लीन अगर आपकी ठीक काम नहीं कर रही तो कैसे ठीक काम नहीं कर रही। वो कहता है एग्जांपल पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी, यानी कोई ऑपरेट किया हमने उसमें हमने स्प्लीन रिमूव कर दिया है, या फिर सिकल सेल एनीमिया ऑटो स्प्लेनेक्टोमी, यानी उसको डिजीज हुई सिकल सेल एनीमिया जिसकी वजह से खुद ब खुद हमारी बॉडी का जो स्प्लीन है वो रिमूव हो गया है, तो कहते हैं उसमें आपका IgM डिक्रीज हो जाता है, तो कंप्लीमेंट सिस्टम काम नहीं करता, C3b ये सारा क्या कह रहा है, यहाँ तक ये क्या कह रहा है, इसको हम जाना वो जरा सा समझते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। चलें जरा साइड पे आ जाए, इसको समझते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके जो फोलिकल्स होते हैं, ये फोलिकल्स जो व्हाइट बल्ब में फोलिकल्स पड़े हुए हैं, व्हाइट बल्ब में क्या पड़े हुए हैं, फोलिकल्स पड़े हुए हैं। वो कहते हैं अब आपके व्हाइट बल्ब में ये फोलिकल्स पड़े हुए, फोलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, बी सेल्स होते हैं। अगर आपका स्प्लीन ही नहीं है तो क्या आपका ये फोलिकल होगा, नहीं फोलिकल नहीं होगा, क्या आपका बी सेल होगा, बी सेल भी नहीं होगा। अच्छा इससे पहले आप ये समझ लें कि कोई भी बी सेल हो ना तो आपको याद होगा कि कौन सी एंटीबॉडी जो है ना बी सेल की सरफेस पे होती है, जरा याद करें, ये बेसिक कंसेप्ट है कि बी सेल की सरफेस के ऊपर हमेशा IgM एंटीबॉडी होती है। याद है किसी को कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन बी सेल की सरफेस पे होती है और बाकी अंदर होती है, IgM और IgD, ये दोनों जो है ना बी सेल की सरफेस पर होती है। ठीक है, अब ये बी सेल हो गया इसके फोलिकल्स में, उसके ऊपर क्या है IgM एंटीबॉडीज होती हैं। अब इन IgM एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, इन IgM एंटीबॉडीज का काम होता है कि ये आपका जो कंप्लीमेंट सिस्टम होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम का नाम सुना हुआ है, ये कंप्लीमेंट सिस्टम इम्यूनोलॉजी में एक सिस्टम होता है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मुकम्मल इसके ऊपर एक टॉपिक है, बस ये भी मतलब पैथोजेंस की किलिंग में काम आता है। ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करता होता है, क्या करता होता है, आपका IgM कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करता होता है। अब IgM कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करेगा, जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होगा तो आपका कंप्लीमेंट सिस्टम का एक केमिकल होता है C3b,
ये इसका एक केमिकल होता है C3B, C3A, C4A, C4B, इस तरह के इसके केमिकल होते हैं। इसमें से एक इसका केमिकल क्या होता है, C3B। तो आपका C3B क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिव हुआ, C3B एक्टिव हो जाता है। C3B का काम क्या होता है, आपका माइक बंद रखें, काइंडली माइक बंद रखें अपना। C3B का काम ये होता है कि अब ये कोई भी पैथोजन आ गया, कोई भी क्या आ गया, पैथोजन आ गया, या हम कह सकते हैं कोई भी एंटीजन आ गया बाहर से। चलो जी, अब आपका जो C3P होता है वो इसके ऊपर जाके बैठ जाता है, इसके ऊपर जाके बैठ जाता है, यानी इसकी ऑप्शनाइजेशन कराता है। ऑप्शनाइजेशन इसकी क्या करा देता है, ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन का क्या मतलब है, अब जो भी पैथोजन है ना, इस पैथोजन को किसी भी एंटीबॉडी ने या किसी भी मैक्रोफेज ने आके मारना है। इसको क्या आके करना है, मारना है। लेकिन इस तरह नहीं होता कि एंटीबॉडी या मैक्रोफेज जाके हर किसी को मारना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं होता। ये एंटीबॉडी या मैक्रोफेज उस एंटीजन को जाके मारेंगी जिसके ऊपर आपकी ऑप्शनाइजेशन हुई होगी। ऑप्शनाइजेशन का क्या मतलब है, उसके ऊपर मतलब C3B लगा हुआ होगा। पैथोजेंस तो बहुत से पड़े हुए हमारी बॉडी में, ये एंटीबॉडीज और मैक्रोफेजेस जाके उस पैथोजन को मारेंगी जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, C3B लगी हुई है। अब ऐसे लिखने के, ये C3P जैम के तौर पर काम करती है कि ये एक ब्रेड था, ठीक है, अब हमने जो है ना वो सारे ब्रेड नहीं खाने, हम सिर्फ वही वाला ब्रेड खाएंगे जिसके ऊपर जैम लगा हुआ है, जो मजेदार ब्रेड है हमने उसको खाना है। अब C3B इधर से देखिए, यहाँ से बी सर आपका देखता है, ये वापस आ जाए कि बी सर आपका देखता है कि कोई जो है ना यहाँ पे आपका एंटीजन आ गया है, तो ये IgM को एक्टिव कर देता है। IgM जाके कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव कर देता है। कंप्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिव होता है तो आपका C3 भी एक्टिव हो जाता है। जब C3 भी एक्टिव होता है तो वो जाके उसी पैथोजन के ऊपर जाके बैठ जाता है, यानी उसके ऊपर जैम लग जाता है, यानी ऑप्शनाइजेशन कर देता है उसकी। जब ऑप्शनाइजेशन हो जाती है तो मैक्रोफेज देखता है कि हाँ इधर तो जैम लगा हुआ है, ये मेरे खाने की चीजें बड़ी मजेदार होगी, तो वो आता है आके इसको खा जाता है, इसको इंगल्फ कर देता है, तो इस तरह इस पैथोजन की डेथ हो जाती है। लेकिन इस स्प्लीन में बेसिकली अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, ये हम अभी तक नॉर्मल पढ़ रहे थे। प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका स्प्लीन नहीं है, स्प्लीन नहीं है क्योंकि स्प्लीन क्या हुआ है, पोस्ट ऑपरेट हुआ है, स्प्लीन को हटा दिया, या फिर सिकल सेल डिजीज हुई है कि वो खुद ब खुद स्प्लीन हट गया है। अब जब स्प्लीन नहीं है तो क्या ये फोलिकल होगा जो उसके व्हाइट बल्ब में पड़ा हुआ था, ऑफ कोर्स इसके फोलिकल्स नहीं होंगे। फोलिकल्स नहीं होंगे तो बी सेल्स नहीं होंगे, बी सेल्स नहीं होंगे तो क्या उसके ऊपर IgM होगी, बी सेल्स ही नहीं है तो IgM ही नहीं होगी। जब IgM नहीं होगी तो कंप्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिव नहीं होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिव नहीं होगा तो आपका C3B नहीं बनेगा, C3B नहीं बनेगा तो ये इसके ऊपर जाके बैठेगा नहीं, जब इसके ऊपर जैम नहीं लगेगा तो मैक्रोफेज इसको नहीं खाएगा, इस तरह आपका पैथोजन क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, वो रह जाएगा। और ये कौन सा पैथोजन सर्वाइव करेगा, जिसके इर्द गिर्द कैप्सूल लगा हुआ होता है, यानी वो इनकैप्सुलेटेड होता है। क्या होता है, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है। तो इस तरह ये इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को मारते हैं, अगर ये आपका स्प्लीन ना हो तो आपका इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इस तरह सरवाइव कर जाएगा और वो रह जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज काइंडली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं इसको रिपीट कर दूं, अदरवाइज मैं इसको साफ करके दोबारा रीडिंग कराने लगाऊं। चले हम इसकी रीडिंग, चले मैं साफ नहीं करता हूँ, हम रीडिंग कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है। ये देखें वो क्या कहता है, वो कहता है स्प्लीनिक डिसफंक्शन जब पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी होगी या सिकल सेल डिजीज होगी तो आपका IgM नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका बी नहीं होगा। जब IgM नहीं होगा तो कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन नहीं होगी, कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन नहीं होगी तो आपका C3B ऑप्शनाइजेशन, जब C3 नहीं होगा तो वो इसके ऊपर जाके ऑप्शनाइजेशन नहीं कराएगा। जब ऑप्शनाइजेशन नहीं होगी तो इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, जो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव करेंगे तो उनकी वजह से जो डिजीज होती है वो ज्यादा हो जाएंगी। आई होप सो दैट के आसान से था आपको ये कंसेप्ट सारा समझ आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, प्लीज काइंडली रिस्पॉन्स कर दिया करेंगे, आपको समझ आता भी है कि नहीं, कहीं पे अगर समझ नहीं आया तो मुझे रोक ले आप प्लीज। आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है, वो कहता है पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी ब्लड फाइंडिंग्स, कि इसकी हम ब्लड में इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कि ये कैसे हम कर सकते हैं कि अगर इसको जो है ना स्प्लीन नहीं है तो किस तरह की ब्लड में हमें फाइंडिंग्स महसूस होंगी, जैसे हमें पता चलेगा कि आपका जो है ना वो हो रहा है, मतलब आपका जो है ना वो स्प्लीन आपका रिमूव हो गया है, तो कौन कौन सी फाइंडिंग होंगी ब्लड में। सबसे पहली फाइंडिंग होगी होल जोली बॉडीज, न्यूक्लियर रेमिनेंट्स। अच्छा, होल जोली बॉडीज क्या होती है, होल जोली बॉडीज कुछ भी नहीं होती, आपको पता है जब रेड ब्लड सेल्स पहले बनते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब ये रेड ब्लड सेल्स आपके मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं,
जब आपके रेड ब्लड सेल्स मेच्योर हो जाते हैं तो उनके जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है ये गैप हो जाता है, मतलब उसका न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियस के जो रेमिनेंट्स होते हैं ये गैप हो जाते हैं। लेकिन लेकिन बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि कभी कभी आपके जो ये जो डीएनए था यहाँ पर इसने रिमूव हो रहा है ना, तो कभी कभी आपके डीएनए जब ये इसने मैच्योर होना होता है, इसने रिमूव हो जाना होता है, ये अब यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी मैंने बल्कि मैं इसको यहाँ बना देता हूँ कि इसने बीच में से रिमूव हो जाना है, अब ये जो डीएनए यहाँ पर था वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन बहुत दफा क्या होता है कि छोटे छोटे डीएनए और आरएनए के टुकड़े इसमें रह जाते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर इसको रिमूव नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे डीएनए और आरएनए के टुकड़े रह जाते हैं। जब यही आपके रेड ब्लड सेल्स इस स्प्लीन के ऊपर से गुजरते हैं, यहाँ पर स्प्लीन है, तो स्प्लीन आपके जो रेमिनेंट्स हैं इनको साफ कर देती है। अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है, यहाँ पर देखिए बीच में कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर डीएनए के रेमिनेंट्स रह गए थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन अगर आपकी स्प्लीन ही ना हो तो क्या जो डीएनए और आरएनए के टुकड़े छोटे छोटे रह गए थे क्या ये साफ होंगे? ऑफ कोर्स नहीं होंगे साफ, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़े डीएनए के रेमिनेंट्स यानी ये न्यूक्लियर के रेमिनेंट्स रह जाएंगे। तो ऐसे रेड ब्लड सेल्स जिनके बीच में न्यूक्लियर के रेमिनेंट्स रह जाएं उन्हें हॉल जॉली बॉडीज कहते होते हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गया है ये हॉल जॉली बॉडीज क्या होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपका इमेच्योर जब रेड ब्लड सेल होता है उसके बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, डीएनए आरएनए होते हैं, जब वो मैच्योर होता है तो ये रिमूव करते जाता है, ये रिमूव करते जाता है, लेकिन कभी कभी उसके छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों को स्प्लीन रिमूव करता है। अगर स्प्लीन ही नहीं है, उसकी पोस्ट प्लेनेक्टोमी हुई पड़ी है, हमने ऑपरेट करके उसको निकाल लिया है, तो ये आपके जो आरएनए डीएनए ये साफ नहीं होंगे, तो ये आपको रेड ब्लड सेल में जो ब्लड फाइंडिंग होंगी उसमें आपको ये न्यूक्लियर रेमिनेंट्स या फिर होली जॉली बॉडीज मिलेंगी। मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गया होगा, आसान से था, आगे बढ़ते हैं हम, अगर समझ आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है वैसे टारगेट सेल्स। अब टारगेट सेल्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन है कि टारगेट सेल्स क्या होते हैं, कि टारगेट सेल्स क्या होते हैं। टारगेट सेल्स ये होते हैं, आपको पता है कि आपका जो मतलब कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके बीच में जो है ना आपके उसके बीच में जो है ना अब रेड ब्लड सेल्स के बीच ऊपर से सारा ये क्या होता है रेड होता है, रेड ब्लड सेल्स बाहर से सारा क्या होता है रेड होता है। रेड क्यों होता है, ये रेड होता है आपके जो है ना हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, और अंदर से ये क्या होता है बिल्कुल ही मतलब के पेल कलर का होता है, अंदर से क्या होता है ये इस तरह का पेल कलर का होता है सारा, ठीक है, ये आपका रेड ब्लड सेल होता है। लेकिन बहुत दफा क्या होता है कि आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपका ये जो है ना आपका यहाँ से पिंच कर जाता है, आपका ये यहाँ से पिंच कर जाता है ऐसे अंदर की तरफ, और पिंच करने की वजह से कुछ हीमोग्लोबिन यहाँ दरमियान में आ जाती है। तो ये है तो रेड ब्लड सेल्स, लेकिन इनके बीच में पेल के बीच में भी एक छोटा सा रेड आ गया है, तो इनको हम क्या कहते हैं, टारगेट सेल्स कहते हैं। सिंपल सी बात है कि सिंपल रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं कि बाहर से रेड होते हैं अंदर से पेल होते हैं, लेकिन अगर अंदर से भी हल्के से पेल हों हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, थोड़ी सी हीमोग्लोबिन अंदर भी चली जाएगी पिंच होने की वजह से, तो इनको हम टारगेट सेल्स कहते होते हैं, ठीक है, आसान से था। एक सेकेंड, रह जाए तो इसका कोई नुकसान होता है? ऑफ कोर्स अगर होली जोली बॉडीज रह जाएंगे तो आपके आरबीसीज जो है ना वो प्रॉपर तौर पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि होली जोली बॉडीज वो होती हैं जिनमें आपके डीएनए और आरएनए के रेमिनेंट्स रह जाते हैं, और आपको जो मैच्योर वो होता है रेड ब्लड सेल्स उनमें जो है ना वो डीएनए के न्यूक्लियर रेमिनेंट्स नहीं रहने चाहिए, वो अंदर से बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसका न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, तो इसके हल्के फुल्के जो है ना वो ऑफ कोर्स उसके नुकसान हो सकते हैं। टारगेट सेल समझ आ गया। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होती है, लॉस ऑफ सेक्रेशन एंड रिमूवल। सेक्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल रखना किसी चीज के ऊपर, क्या रखना, कंट्रोल रखना। तो आपको पता है कि जो आपका ये स्प्लीन होता है ना ये प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स का कंट्रोल रखता है, उसको अपने अंदर बिठा के रखता है कि आप सुकून से यहाँ कंट्रोल में रहें, जब आपको कहीं पर भेजना होगा तो मैं खुद भेजूंगा। लेकिन जब स्प्लीन ही नहीं है तो क्या प्लेटलेट्स की सेक्रेशन होगी, इनका कंट्रोल नहीं होगा, नहीं होगा, इनका कंट्रोल लॉस हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएंगे आपकी ये जो है ना जो स्प्लीन से रिमूव हो जाएंगे, रिमूव होके ब्लड में चले जाएंगे, तो ब्लड में आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी आपके प्लेटलेट्स जो है ब्लड में बढ़ जाते हैं। इसी तरह लिम्फोसाइटोसिस, लॉस ऑफ सेक्रेशन, तो आपने देख सकते हैं कि यहाँ इसके जो है ना बी लिम्फोसाइट्स भी पड़े हुए हैं और टी लिम्फोसाइट्स भी पड़े होते हैं यहाँ इसकी पेरिआर्टरल के गिर्द, जो है ना पेरिआर्टरल लिम्फेटिक शीथ के गिर्द, तो जब इनका कंट्रोल भी स्प्लीन ही नहीं होगी तो इनका कंट्रोल नहीं होगा, तो ये भी ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो इस तरह ये भी ब्लड में जाके बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गया कि फाइंडिंग्स कौन कौन सी होती है, ठीक है,
इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या होती है। सबसे पहले इसकी फाइंडिंग होती है कि होली जोली बॉडीज होंगी, ठीक है, होली जोली बॉडीज के अलावा टारगेट सेल्स होंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस होगी, लिम्फोसाइटोसिस होगी। जब ये फाइंडिंग्स आपको ब्लड में मिले तो आप कह सकते हैं कि या तो इसको सिकल सेल डिजीज की वजह से इसका स्प्लीन रिमूव हो चुका है, या फिर हमने ऑपरेट करके इसका स्प्लीन रिमूव किया हुआ है। अच्छा, अगर आपका ये नहीं है, स्प्लीन मिसिंग है, तो आपको जो है ना शिन डिजीज, शिन एक फार्मूला है, इसकी जो है ना आपको इन्फेक्शन हो सकता है। शिन ऐसे बनता है, ये यहाँ पे देखें, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई, और एच आई से बनता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और आपके एन से बनता है नाइजीरिया मिनेंजोकोक्साई, नाइजीरिया मिनेंजोकोक्साई। ये अगर आपका स्प्लीन रिमूव हो, आपका स्प्लीन ना हो, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बेसिकली इनकैप्सुलेटेड होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना कि इनकैप्सुलेटेड की डिजीजेस हो जाएंगी, तो इनकी ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने शिन याद रखना है कि अगर आपकी स्प्लीन नहीं होगी तो आपको शिन की डिजीजेस होगी, यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई की डिजीज होगी, हिमोफेलस इन्फ्लुएंजा की डिजीज होगी, और मेनिनजोकोक्साई नाइजीरिया की डिजीज होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर आपका स्प्लीन नहीं होगा तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की आपको डिजीज होगी। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि जब अगर आपकी स्प्लीन नहीं है, आपको पता है, तो आप जो है ना वैक्सीनेट पेशेंट्स विद अंडरगोइंग स्प्लेनेक्टोमी, यानी जिसका स्प्लीन रिमूव कर चुके हैं, और विद स्प्लीनिक डिसफंक्शन, जिसका स्प्लीन सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो आप उनको वैक्सीन दें। वैक्सीन किन के खिलाफ दें? शिन के खिलाफ, ताकि ये ऑर्गेनिज्म आके वहां पर डिजीज ना कर सके। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है आपका जो है ना ये सारा स्प्लीन।